नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन ब्रांड न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के नाम पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनकारी किसानों ने जमकर उत्पात मचाया था। कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों का एक समूह ट्रैक्टर्स के साथ लाल किले पर पहुंच गया। लाल किले पर प्रदर्शनकारियों ने अपने धार्मिक झंडा लगा दिया। अब आंदोलनकारियों की जमकर आलोचना हो रही है। इस हिंस के बीच पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू का नाम सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि जब लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराया गया तब वह वहां मौजूद थे और उन्होंने लोगों का साथ दिया। इस बात को लेकर एक्टर दीप सिद्धू का जमकर विरोध हो रहा है। अब इस पर बीजेपी सांसद और बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने ट्वीट किया। उन्होंने साफ कर दिया कि दीप सिद्धू से उनके परिवार का कोई कनेक्शन नहीं है। सनी का ये ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। दीप सिद्धू को लेकर सनी देओल ने ट्वीट में लिखा, आज लाल किले में जो हुआ उसे देखकर मन बहुत दुखी हुआ। मैं पहले भी 6 दिसंबर को ट्विटर के माध्यम से यह साफ कर चुका हूं कि मेरे या मेरे परिवार का दीप सिद्धू के साथ कोई संबंध नहीं है। साथ ही दीप सिद्धू पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को लाल किले की तरफ मार्च करने के लिए उकसाया। हालांकि गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना पर दीप सिद्धू ने मंगलवार को प्रदर्शनकारियों के कृत्य का यह कहकर बचाव किया कि उन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं हटाया और केवल एक प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर निशान साहिब को लगाया था। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।